Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Jai Hind. मैं ललित खत्री और आज है 8 मार्च. 8 मार्च अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विश्व भर के सभी देशों में, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो, सभी देशों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर, उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकारों पर और साथ ही उनके तरक्की के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है. अजमेर में भी MTTV इंडिया कोशिश कर रहा है कि अजमेर की प्रभावशाली महिलाएं जो कि सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है या फिर अजमेर में किसी भी तरह से सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को अजमेर की जनता से रूबरू कराया जाए. इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में अजमेर में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, सुदीप कौर मैम. तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू मैम. सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्योंकि सभी जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने, तो मैम आपने ये सपना कब देखना शुरू करा, किस तरह से देखना शुरू करा कि आपको भी प्रशासनिक सेवा में आना है? प्रशासनिक सेवा में आने का जो मेरा सपना है वो बहुत ही पहले से ही है, जब मैं स्कूल लाइफ में थी. पर बीच में मुझे ऐसे लगता था कि बहुत ही पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. मैंने एक आई वॉज लेक्चरर फॉर क्वाइट सम टाइम. 5 साल तक मैंने एज ए लेक्चरर कॉलेज में पढ़ाया, पर उस दौरान मुझे समझ आ गया कि ये मेरा, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई हैव टू गो फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. आई लेफ्ट द जॉब एंड देन आई सीरियसली प्रिपेयर्ड और मेरा इसमें IFS में हो गया. RAS में भी हुआ था बट आई जॉइंड IFS. मैम, किस तरह की जब आप पढ़ाई कर रही थी उस समय आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये बहुत टफ इसका एग्ज़ाम होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी रही हूँ. आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर एंड थ्रू आउट टॉपर फ्रॉम माई स्कूल टाइम ऑल्सो. एंड पढ़ाई में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग तरह का एक एप्टीट्यूड चाहिए होता है जो जो कि आपको एक एज देता है. तो उस हिसाब से, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा, मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, उनमें बिल्कुल मार्जिन पे आकर मेरा जो है वो सिलेक्शन रह जाता था. सो आई वाज रियली टेंस कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो माय फादर वाज अ बिग सपोर्ट, माय मदर एंड फादर बोथ. माय फादर सेड कि ही वाज फ्रॉम डिफेंस अकाउंट, सो वो कहते हैं कि तुम जब यहाँ तक पहुँच सकते हो तो थोड़ा सा एफर्ट करके तुम आराम से क्लियर भी कर सकते हो. सो उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको करना है एग्ज़ाम तो इसमें ही लग जाओ. I left the job and then I did and hobby game. So that is the thing. मैम, आप इस पोस्ट पर हैं, कई तरह के आपके क्षण निकलते होंगे जब आपको प्राउड होता होगा कि आप इस जॉब में हैं, तो मैम ऐसे किसी क्षण को हमारे साथ आप जोड़ना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे जब आपको प्राउड हुआ कि आप इस पोस्ट पर हैं? मुझे फॉरेस्ट सर्विस एक ब्लेस्ड सर्विस है. इसमें होना, एक इसका पार्ट होना एक बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर के आसपास हैं और हम कभी भी थोड़ा सा भी टेंशन या कोई ऑफिस में टेंशंस या किस तरह के भी होते हैं, वी गो टू फील्ड, हम अपना फील्ड संभालते हैं और वी फील रिफ्रेश. तो एक वो मोनोटोनस जॉब नहीं है जैसे ऑफिस डेस्क जॉब होती है. दूसरी चीज़ ये है कि वाइल्ड लाइफ के प्रति सहिष्णुता जो इस जॉब में है, जो इस जॉब के लोगों में है और जो वो अपना डेडिकेशन दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है. तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं वन्य जीव के प्रति सहिष्णु हूँ और उनकी मैं पूरी उनके प्रति कार्य करती हूँ. अभी हमने रिसेंटली पदमपुरा से एक लेपर्ड रेस्क्यू किया था जो कि एक स्नेयर में फंस गया था. सो दैट वाज अ वेरी मतलब एंथुसियास्टिक मोमेंट फॉर अस कि हमने उस समय कैसे उसको ट्रैंकलाइज किया, कैसे उसको लेकर आए, कैसे उसको फिर वापस रिलीज़ किया. सो ये जो पूरा प्रोसेस था ये बहुत ही हमारे लिए एक मतलब चुनौतीपूर्ण और बहुत ही उत्साहपूर्ण था. तो मैम, अभी ग्लोबल वार्मिंग में हमारा पूरा दुनिया झेल रही है ग्लोबल वार्मिंग को, तो एज अ प्रशासनिक अधिकारी वन अधिकारी आपको क्या लगता है कि अभी अजमेर में या फिर राजस्थान में, हमारे देश में भी कितना काम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हो रहा है या होना चाहिए? और
ग्लोबल वार्मिंग नो डाउट एक बहुत ही बड़ा इशू है इस समय का, बहुत ही बर्निंग इशू है, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि हम लोग अजमेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह पूरा उसको एफॉरेस्टेशन के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है अजमेर के हरा भरा करने के लिए, ताकि इसका इम्पैक्ट कम से कम रहे। और नॉट ओनली अजमेर पर, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, ताकि हमें जो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है वो कम आए और लोगों में जागरूकता पैदा हो। मैम, जैसा कि हम सभी को पता है कि अजमेर के जो कलेक्टर हैं वो आपके हस्बैंड हैं, तो मैम आप बताना चाहेंगी कि जैसे आप इतने बड़ी पोस्ट पर, सर भी इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, पूरी अजमेर की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर और आपके कंधों पर, तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी और आपकी जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उनके बीच में आप किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसमें बैलेंस बनाना बहुत ही, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी टफ, बट लाइक बीइंग इन सर्विस फॉर दिस सर्विस फॉर लास्ट 10 ईयर्स, हम लोगों ने कोप अप करना सीख लिया एक तरह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी फील्ड में जाना है और विश्वमन को भी जाना है, तो उस केस में हम लोगों में से एक जना घर पे रुकता है कि बच्चे के पास एक जने को रुकना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली ऐसा होता है कि मतलब आई हैव टू स्टे, बट ऑफ कोर्स सम टाइम्स विश्वमन आल्सो, हम लोग दोनों कोऑपरेट करके चलते हैं, ताकि कहीं पे भी ना तो बच्चे को परेशानी हो और ना ही हमारी जो फैमिली लाइफ प्रॉब्लम में आए, डिस्टर्ब हो। मैम, अभी आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमने देखा है कि अजमेर में पिछले कुछ समय में काफ़ी पेड़ लगाए गए हैं, काफ़ी कोशिश की गई है अजमेर को हरा भरा करने की। मैम, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते, अगर हम माने प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते, तो आज हम आपको किस पोस्ट पर देखते हैं, किस जॉब में देखते हैं? तो मैं शायद साइंटिस्ट होती, क्योंकि मैं लेक्चरशिप पहले ही कर चुकी थी, और इनफैक्ट मुझे लेक्चरशिप कभी पसंद ही नहीं थी, पर फिर भी मैंने की, और उसके अलावा मैंने साइंटिस्ट का भी एग्ज़ाम दिया था, आई गॉट इन टू दैट ऑल्सो, और RAS में भी मेरा हो गया था, बट लाइक अगर शायद IFS ज्वाइन नहीं करती तो मैं साइंटिस्ट की पोस्ट ज्वाइन करती। मैम, अजमेर की जैसे महिलाएं जो इसकी प्रशासनिक सेवा की तैयारियां कर रही है, उनको आप किस तरह से थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को किसी भी फील्ड में कभी भी कम ना समझें, वो बिल्कुल मर्दों से 4 कदम आगे चल सकती हैं, क्योंकि जो उनकी इनर स्ट्रेंथ है वो आई रियली बिलीव कि मेन से ज़्यादा है। लेडीज़ जो हैं वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और वो जो ठान लेती हैं वो कर ही लेती हैं। सो आई बिलीव कि जो भी लड़कियां, जो भी स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स और इवन बॉयज़, जो भी इसके लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, वो पूरे तन मन धन के साथ अपने आप को पूरे 100% एफर्ट्स अपने साथ चीटिंग किए बिना ऑनेस्ट रहते हुए आप करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू, दैट्स फॉर श्योर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैम आप अजमेर की बालिकाओं को, अजमेर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अजमेर की बालिकाएँ और महिलाएँ हर फील्ड में, हर जगह बहुत ही अच्छा कार्य करें, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। धन्यवाद मैम, पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय वन सेवा की अधिकारी, जो वर्तमान में अजमेर में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, सुदीप कौर जी। ऐसी ही ये वे महिलाएं हैं जो कि वर्तमान में अजमेर में किसी ना किसी रूप से सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ही अन्य महिलाओं से भी हम आपको मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।